भूल भुलैया 2 की अपार सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने भूल भुलैया के तीसरे पार्ट को भी बनाकर सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया, जो अब बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और लोगों को ये फिल्म पसंद भी आ रही है। जहां भूल भुलैया 2 के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 266 करोड़ की है, वहीं भूल भुलैया 3 ने मात्र 4 दिनों में ही 128 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 के रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी। इससे पहले हमने आपको भूल भुलैया 2 के बिहाइंड द सीन दिखाए थे और आज के इस वीडियो में हम आपको भूल भुलैया 3 के बिहाइंड द सीन शूटिंग दिखाएंगे। तो इस फिल्म का शूटिंग देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फिल्म में राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी, ये तीनों मंजोलिका के कमरे में जाते हैं। इस सीन को कुछ इस तरह फिल्माया गया था, BTS क्लिप में देखिए। डायरेक्टर अनीस बासमी इन तीनों एक्टर्स को सीन समझा रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में दिखाया गया ये महल असली था। फिल्म के क्लाइमेक्स में माधुरी दीक्षित राजपाल को उठा उठा कर पटकती है, जिसके बाद राजपाल संजय मिश्रा और अश्विनी के पास जाकर गिरता है, जहां ये दोनों भूत के डर से बैठे रहते हैं। BTS क्लिप में देखिए। इस सीन को स्टूडियो में फिल्माया गया था, जहां ग्रीन बैकग्राउंड लगाए गए थे और पोस्ट प्रोडक्शन में VFX से इसे रियल टच दिया गया था। चलिए अब आपको फिल्म में रूह बाबा के एंट्री सीन के बिहाइंड द सीन दिखाते हैं। फिल्म में रूह बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज से बुलेट से जाते हुए दिखाया जाता है। इस एंट्री सीन को स्टूडियो में नहीं बल्कि रियल में ही कोलकाता के हावड़ा ब्रिज में फिल्माया गया था। फिल्म के एक सीन में पिल्लई का किरदार निभाने वाले सुरेश मेनन अपनी पत्नी से बचने के लिए रूह बाबा के साथ मिलके ड्रामा करते हैं। देखिए इस सीन को किस तरह शूट किया गया था। इस सीन में स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स के लिए कैमरे को डॉली सिस्टम पर सेट किया गया था। अब उस सीन का बिहाइंड द सीन देखिए, जब राजपुरोहित मंजोलिका को कमरे में कैद करते हैं। इस BTS क्लिप में देखिए, डायरेक्टर अनीस बासमी एक्टर्स को क्लाइमेक्स सीन समझा रहे हैं। क्लाइमेक्स में राजपाल को उठाकर पटकने वाला सीन ऐसे शूट हुआ था। इस सीन को फिल्माने के लिए स्टंटमैन के बॉडी पे कई सारे हार्नेस वायर लगाकर उसे नीचे खींचा गया था। आपको बता दें कि पूरे क्लाइमेक्स को ग्रीन बैकग्राउंड में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में VFX से इसे बैकग्राउंड को डरावना बनाया गया था। अब माधुरी के एंट्री सीन का बिहाइंड द सीन देखिए। माधुरी इस BTS क्लिप में देखिए, निर्देशक अनीस बासमी संजय मिश्रा को सीन समझा रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया गाय का तबेला, जहां महाराज और उनके परिवार रहते हैं, वो भी एक रियल और पुराना स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के बिहाइंड द सीन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।